किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बैंगन की फसल, बैंगन की खेती से किस तरीके से लोग कमाते हैं, पैदावार लेते हैं। देखिए ये हम इस वक्त बैंगन के खेत में, काफ़ी अच्छे बैंगन है। तो इन्होंने टीटू भाई को बुलाया था, जैसे कि आपको पता ही है आजकल हम विजिटिंग का भी कर रहे हैं, विजिट करते हैं खेतों पर जाके। तो बैंगन के खेत में कुछ समस्या है, सारे ही बैंगनों पर ना कीड़ा लग रहा है, काढ़ा हो जाता है बैंगन। अब से कुछ समय पहले बैंगन की फसल को कोई पूछ भी नहीं रहा था, लेकिन आज की रेट में लगभग 30 रुपए किलो मंडी का रेट है, ये बताया है हमें किसान ने। आइए हम आपकी इनसे बातचीत करवाते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी विनीत कुमार। विनीत कुमार जी, ये खेत आप ही का है? जी। कितना बड़ी जगह में आपने बैंगन लगा रखे हैं? ये लगभग 4.5 बीघे के हमारे, लगभग 4.5 बीघे जी। तो दोस्तों ये 4.5 बीघे में बैंगन इन्होंने लगा, क्या समस्या क्या दिक्कत आ रही है ठीक भाई इनके खेत में? गिंडार लगी हुई है जी इनमें, दिखाइए। ये देखिए ये गिनार, यानी कीड़ा लगे, इल्लिया होती है ना, क्या है ये समस्या? बारीक बारीक इल्लिया होती है, ये अपने अंडे छोड़ जाती है। अच्छा, उनसे गिंडार बनती है। अच्छा, तो उसके लिए पहले तो गिंडार के लिए तो इमीडा, इमीडा और जंप का स्प्रे करवा दें ये। अच्छा, ये इमीडा और रिजेंट भी आता है, या फिर आप एक डाइमेथेन आती है, डाइमेथोएट आती है, ऐसी फीट आती है, मतलब जो सफेद मक्खी है और बारीक कीट है उनके लिए। जैसे ये कीट घूम रहे, देखो ये भी कौन सी? अच्छा, जो बारीक मच्छर जैसा ही कीट है, ये भी अंडे देते हैं ना, तो इनकी इल्लियां बनती है बारीक वाली। तो ये जो फल पे जो ये कीड़ा लग गया है, ये जो इस फल को, ये शुरू से इस फल के ऊपर आता है या बाद में आता है? बाद में जाता है, फल लगने के बाद आता है, लगने के बाद में बनता है। जैसे मान लो छोटा फल होता है, उसी के पास में बनना स्टार्ट हो जाता है, भाई फूल में तो बनेगा नहीं, ये बाद में बनना स्टार्ट होता है। तो इसके गिंडार के लिए तो आप जो साइफरमेथेन 5% में आती है जी, उसकी स्प्रे करा दो। सर इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है हमारी, ये सुंडी रोग जो है ये नहीं रुक पा रहा है। हाँ, सुंडी के लिए बताता रहा हूँ मैं, उसी के लिए तो बता रहा हूँ। सुंडी रोग की पहचान ये है कि इसके नाड़ तोड़ बोल सकते हैं इसको, नाड़ तोड़ बीमारी बोलते हैं इसको। तो ये इसके बैंगन के जो इस तरीके से मुरझा जाता है, इतना स्वस्थ खेत आपने कहीं ना देखा होगा। यानी खेत तो बहुत अच्छा, लेकिन ये गिंडार या कीड़ा या बीमारी ये क्या है टीटो, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अब जैसे ये बता रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन इस टाइम पे हो नहीं पाता, क्योंकि इस टाइम वातावरण में नमी होती है और नए नए कीट उत्पन्न होते हैं। अच्छा, आपको पता है चौमासों में नए नए कीट उत्पन्न होते हैं, तो इस टाइम पे बीमारियां ज्यादा लगती है। इसमें ऐसा हो सकता है कि या तो आप हफ्ते के अंतराल पे इसमें स्प्रे करते रहे। अच्छा, या तो आप एसी फीट होगी, या फिर जैसे ये इल्लियों के लिए तो सबसे बढ़िया वही है, या तो एक लैम्डा करके साल्ट आता है, लैम्डा करके साल्ट आता है, उसे भी मार सकते हो, 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनता है उसका जी। या फिर डाइमेथेन आती है, डाइमेथेन नहीं, जिसमें साइफर होता है 5%, एसिड अमेथिल और 50% में आती है, और वो आता है 5% में उसमें। अब इन्हें किस किस चीज की स्प्रे करनी है, इनको पहला स्टेप क्या रहेगा इनका? पहला स्टेप तो इसमें से मक्खियां खत्म करनी है। उसके लिए क्या डालेगा? इमीडा और जंप की स्प्रे करनी है, उससे मक्खियां खत्म हो जाएंगी। देख 10 दिन के अंतराल पे, फिर 10 दिन के अंतराल के बाद में उसमें बीच में मतलब 2 या 3 दिन के गैप के बाद इसमें इसकी करनी है, एक हमले के नाम से भी दवाई आती है जो जिसमें साइफर होता है जी, तो उसकी स्प्रे कर सकते हो। एक से ऊपर ना होना चाहिए ग्राम, मतलब 7.5 या 0.80 जी, इतने ग्राम ही लेना है, एक लीटर के हिसाब से पर बोरोन। अच्छा, पर लीटर बोरोन, ठीक, पर लीटर कितने ग्राम? जो कैल्शियम तो 1 ग्राम जी, और बोरोन लेना 0.75 या 80 ना। तो किसान भाइयों ये देखिए आपने बैंगन का खेत, काफी अच्छा स्वस्थ खड़ा हुआ है, बस इसमें कुछ थोड़ी सी बीमारी आ गई है, कुछ कीटों का हमला हो गया है, उसका इंतजाम हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं आपके खेत पर आकर आपकी समस्या का समाधान किया जाए टीटू भाई आए, तो उसके लिए आप फोन कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।